गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू FY BCom बिजनेस कम्युनिकेशंस। अगर आपको ध्यान में होगा तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, या डिपेंडिंग BAF BMS वालों को ये चैप्टर का नंबर अलग होगा, बट चैप्टर का नाम जो है दैट इज कम्युनिकेशन एट वर्कप्लेस। इस कम्युनिकेशन एट वर्कप्लेस में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उस इंट्रोडक्शन के बाद हमने टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया है, उसमें फॉर्मल चैनल है, इनफॉर्मल चैनल है, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स, अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल में ग्रेपवाइन, ये सारा सब कुछ चर्चा कर लेने के बाद हम लोगों ने मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी स्टार्ट किया था। इस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो क्लासिफिकेशन है, एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। इसमें वर्बल वाला हिस्सा हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वर्बल कम्युनिकेशन में मैं आपको याद करवा देता हूं, वर्बल कम्युनिकेशन आई टोल्ड यू इज द कम्युनिकेशन इन विच वी मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस। जब मैं कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों का और भाषा का प्रयोग करता हूं तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये जो भाषा या शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये अगर मैं जुबानी कहता हूं तो देन इट बिकम्स ओरल कम्युनिकेशन, और अगर मैं लिख के करता हूं तो देन इट बिकम्स रिटन कम्युनिकेशन। सो वर्बल के दो हिस्से हैं, ओरल और रिटन। ओरल में फेस टू फेस आमने सामने भी हो सकता है या टेलीफोन के ऊपर भी हो सकता है। ये सारा हमने चर्चा किया, इसमें ओरल कम्युनिकेशन के फैक्टर्स, वर्बल कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरल कम्युनिकेशन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने रिटन कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि भाई रिटन कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस क्या और लिमिटेशंस क्या है। आज उससे आगे वी विल बी मूविंग ऑन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक कि भाई ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वेल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें मैं कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों का या भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। आई डू नॉट मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बल्कि किसी और तरीके से मैं अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इट इज कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड लैंग्वेजेस। सर, बिना शब्दों के, बिना भाषा के प्रयोग किए हुए आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो वेल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वेरियस एलिमेंट्स हैं। इन वेरियस एलिमेंट्स में बॉडी लैंग्वेज के जरिए, हम सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकते हैं। वेल, एक्सप्रेशंस, चेहरे के हाव भाव से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, पोस्चर के जरिए, ड्रेस एंड ग्रूमिंग के जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और भी कई ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए सामने वाले को कुछ कहा जा सकता है। इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट का, फेशियल एक्सप्रेशन का, बॉडी मूवमेंट्स का, गेस्चर्स
गेस्चर्स, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं सामने वाले को कुछ कहने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी हम कम्युनिकेट करते हैं, यू टेक माय एग्जांपल इटसेल्फ, कि जब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं शब्दों का तो प्रयोग कर ही रहा हूं, लेकिन इन शब्दों के प्रयोग के साथ साथ आप देखेंगे कि मैं यूं ही खड़ा नहीं हूं कि मैं आपको ऐसे ही खड़े रह करके बोल रहा हूं। मैं यहां पर स्टेज पे मूव कर रहा हूं, मेरे हाथों के एक्शन, मेरे चेहरे के हाव भाव, मेरी आंखें छोटी बड़ी होना, मेरा टोन, वॉल्यूम, इन सब में बदलाव आता है और इन सब के जरिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूं, आपको अपनी बात पहुंचाने की और समझाने की कोशिश करता हूं। तो बिना शब्दों के इस्तेमाल किए जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना भाषा के प्रयोग, बिना शब्दों के प्रयोग के। वर्बल कम्युनिकेशन को सप्लीमेंट करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, उस वक्त ये जो हाथों का मूवमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे सब कुछ सप्लीमेंट करते हैं वर्बल को। लाइक व्हेन आई कम्युनिकेट 65% इज वर्बल, सॉरी 55% इज वर्बल एंड 45% इज नॉन वर्बल। यानी कि 100% कम्युनिकेशन में 55% शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल होता है और बाकी का 45% बॉडी लैंग्वेज के जरिए, आई कॉन्टैक्ट के जरिए, फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए, साउंड है, वॉल्यूम है, पिच है, टोन है, ड्रेसिंग है, इन सारी चीजों के जरिए हम सामने वाले को अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़े स्तर पर आता है बॉडी लैंग्वेज। क्या आता है? बॉडी लैंग्वेज ये एक ऐसी भाषा है जिसमें हम अपने बॉडी के मूवमेंट्स के जरिए सामने वाले को कुछ कहने की कोशिश करते हैं। हम किस तरह से चलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, किस तरह से हम उठते बैठते हैं, हमारे हाथ पैर के मूवमेंट्स कैसे हैं, इसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी किया गया है और एक विज्ञान या साइंस डेवलप किया गया है। सो द साइंटिफिक स्टडी ऑन बॉडी लैंग्वेज, इट इज नोन एज काइनेसिक्स। उसको क्या कहते हैं, उस साइंस को हम काइनेसिक्स कहते हैं। आपने देखा होगा जब अलग अलग देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं या राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले मौजूद होते हैं जो इनकी तस्वीरें खींचते हैं कि भाई मान लो नरेंद्र मोदी अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया और वहां पर उसने वहां के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करी तो बहुत सारे मीडिया वाले होंगे। अब ये मीडिया वाले जब पिक्चर क्लिक करते ना, उस वक्त ये दोनों नेता, यानी कि यूएसए का प्रेसिडेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किस तरह से वे लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, कैसे एक दूसरे के कंधों को थपथपाते हैं, ये सारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। इट डिस्क्राइब्स मेनी थिंग्स। बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि हमारा सामने वाले व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यक्तिगत रिश्ता है, यह बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। यानी कि दोस्त से जब मिलता हूं तो दोस्त के कंधे पर हाथ रख देता हूं, बॉस को मिलूंगा तो बॉस के कंधे पे हाथ नहीं रखूंगा। बॉडी लैंग्वेज अलग अलग लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं उसको समझाती है। और जिस प्रकार से हम जिनके साथ जैसे रिश्ते रखते हैं उसी के साथ हम वैसा ही बॉडी लैंग्वेज भी रखते हैं। सो दैट साइंटिफिक स्टडी ऑन बॉडी लैंग्वेज इज नोन एज काइनेसिक्स।
इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट साइंस. सी थ्रू आउट द डे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह से कैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और ये बात उनकी पर्सनैलिटी को उजागर करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की? तो सर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे पहली विशेषता है कि इट इन्वॉल्व्स साइन लैंग्वेज. इसमें हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती है, साइंस काफी होते हैं. जैसे अगर एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, आरटीओ वाले ने सड़क के शुरुआत कॉर्नर पे इस तरह से पी लिखा है बोर्ड के ऊपर, और पी लिखने के बाद ऐसे उन्होंने क्रॉस कर दिया. इसका मतलब है नॉन पार्किंग, यानी कि यहां पर पार्किंग अलाउड नहीं है, नो पार्किंग है. यदि अगर इस तरह से एरो बनाया जाता है और एरो बनाने के बाद उस पे क्रॉस मार दिया जाता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है. इस एरो को बना करके क्रॉस कर देने का मतलब होता है नो एंट्री, यानी कि इस गली में या इस सड़क में आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते. सो हम इसमें साइंस का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, पोस्टर्स का, साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, कलर का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए. ट्रैफिक सिग्नल अगर आप देखेंगे तो उसमें लाल, पीला और हरा तीन कलर है. लाल का मतलब है आपको रुकना है, हरे का मतलब है आपको जाना है, येलो का मतलब है सावधानी से धीरे धीरे प्रोसीड करना है. सो नॉन वर्बल की सबसे पहली खासियत यह है कि इसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि भाषा के अलावा जितने भी दूसरे तरीके हैं, अब उसमें साइंस हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, पोस्चर हो सकता है, गेस्चर्स यानी कि इशारों का भी हम इस्तेमाल करते हैं. आप और आपके फ्रेंड एग्जाम के लिए जा रहे हैं, दोनों की क्लासरूम अलग अलग है, तो जब आप क्लास में दाखिल होते हैं तो दोस्त की तरफ देख करके इस तरह से आप अंगूठा दिखाते हैं. ये जो अंगूठा आप उसको दिखाते हैं, इसका मतलब आप उसको विश कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक. ठेंगा दिखाना नहीं है, ये अंगूठा दिखाने का मतलब है बेस्ट ऑफ लक. व्हाट्सएप में भी आजकल हम लोग शब्दों का प्रयोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. आजकल बहुत सारा कम्युनिकेशन तो उस स्माइली वाले हिस्से से ही हो जाता है जिसमें आपको बहुत सारे निशान दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल. किसी को हाय बोलना है तो आप उन स्माइली वाले सेक्शन में चले जाए, उधर एक लड़का और एक लड़की ऐसा हाथ करके दिखेंगे, इसका मतलब आप हाय बोल रहे हैं, बराबर है. So that is involves a sign language, pictures, posters and various other means for the purpose. इसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं. Number दो, used to perform specific functions. देख, non-verbal communication के जरिए हम कुछ महत्वपूर्ण functions perform कर सकते हैं जो कि हम शब्दों के द्वारा कई बार नहीं कर पाते हैं. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि अगर किसी रिलेटिव की, किसी जान पहचान वाले की डेथ हो जाए तो मैं उसको संवेदना प्रकट करने के लिए क्या बोलूं, क्या लिखूं. मैनी टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन वर्ड्स. ऐसे में मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए जो है मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं. आई कैन शो माई एक्सप्रेशंस, बराबर है. आई कैन शो माई फीलिंग्स. मैं अपने एक्सप्रेशन, अपने फीलिंग्स, अपने लाइक यू कैन से इमोशंस
नॉन वर्बल के जरिए कम्युनिकेट कर सकता हूँ। सो अगर मान लीजिए किसी फ्रेंड के घर पर किसी की डेथ हो गई है और मैं जाता हूं तो मैं कुछ बोलता नहीं हूं, उस फ्रेंड से सिर्फ हाथ मिलाता हूं, उसके कंधे पर हाथ रखता हूं, या हो सकता है कि बहुत क्लोज फ्रेंड होगा तो मैं उसको गले लगा लेता हूं और इस तरीके से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर देता हूं। अपने इमोशंस, हम अपने इमोशंस को दर्शाते हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे इमोशंस को बताता है, हमारे गेस्चर्स, हमारा जो आईज है ये हमारी फीलिंग्स को दर्शाता है। सो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। नंबर 3, इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी मींस है, देख अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बहुत तेजी के साथ और बिना किसी कॉस्ट के इन्वॉल्वमेंट के आई कैन गिव माय मैसेज टू द अदर पर्सन। सो देयर इज नो कॉस्ट। अरे फेशियल एक्सप्रेशन में किसी की तरफ देख के स्माइल करने में कुछ पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है। अगर आप किसी को, कोई आपसे रास्ता पूछता है कि भाई मेरे को जोगेश्वरी वेस्ट जाना है, कैसे जाऊं, मैं उसको कुछ नहीं बोलता, मैं खाली बोलता हूं इधर से जाओ, इसमें कुछ पैसा लगा क्या? नहीं। काम भी झटपट हो जाता है, स्पीडी, देयर इज नो कॉस्ट एंड नो, यू कैन से वेस्ट ऑफ टाइम। फटाफट हो जाता है, झटपट हो जाता है, क्विकली हो जाता है। So that is inexpensive and speedy. Number 4 है establish and maintain interpersonal relationship. ये देख मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो body language है, expression है, dress and grooming है, gestures या इशारे हैं, इनके जरिए हम आपस में एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रिश्तों को बना भी सकते हैं और maintain भी कर सकते हैं। किसी की तरफ देख के स्माइल करना ये एक रिश्ते की शुरुआत है। और इसी तरीके से जब आप फ्रेंड्स रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं तो आप हाय हेलो भी नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी नहीं करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एक हैंडशेक कर लेना। अरे किसी व्यक्ति को अच्छे रिश्ते बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। गूंगे और बहरे लोग भी अच्छे रिलेशंस डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं। सो दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशंस। नंबर 5 आता है एड इन बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। एड का मतलब है हेल्प। कॉर्पोरेट इमेज यानी कि कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन। देख वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कई ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो कंपनी की इमेज को इंप्रूव किया जा सकता है। सो कॉर्पोरेट इमेज जो है इट कैन बी इंप्रूव्ड एंड मेंटेन्ड। नंबर 6 है प्रोवाइड्स स्कोप फॉर फीडबैक। देख इसमें फीडबैक का स्कोप है, मतलब ऐसा नहीं है कि शब्दों के जरिए अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ही फीडबैक हो सकता है, बिना शब्दों के इस्तेमाल के भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो फीडबैक मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल कि आप अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों से उतर रहे हैं या लिफ्ट में जा रहे हैं और कोई आपका पड़ोसी जो आपकी बिल्डिंग में रहता है आमना सामना हो गया, आप उसको देख के स्माइल करते हैं तो वो भी रिटर्न में तुरंत आपको स्माइल देता है। नॉर्मली हम मुंबई वाले फेशियल एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त, इस तरह से आईब्रोज हम रेज करते हैं, दो बार आईब्रोज रेज करने का मतलब है हमने उससे पूछा कैसा है, सामने वाला भी शब्दों का प्रयोग नहीं करता है।
ऐसे गर्दन हिला देता है, मतलब मजे में। आपने पूछा कैसा है, उसने कहा मजे में। सो दैट इज व्हाट इज, कि इसमें फीडबैक है। आपने किसी की तरफ इशारा करके खाना खाया, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। आपने पूछा खाना खाया, उसने कहा खा लिया। सो दैट इज व्हाट इज प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर फीडबैक। और लास्ट जो है, दैट इज इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन अटेंटिवनेस ऑफ रिसीवर। रिसीवर कितना आपकी तरफ ध्यान देता है, उसके ऊपर इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें बॉडी लैंग्वेज होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, इसमें गेस्चर्स होते हैं, यानी कि इशारे हैं। अगर सामने वाला ध्यान देगा तो ही उसको समझ में आएगा, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगा। तो इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस रिसीवर के ध्यान देने के ऊपर या उसके अटेंटिवनेस के ऊपर डिपेंड करती है। सो दैट इज यू कैन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एज वेल एज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद ये जैसे मैंने आपको कहा है, पेज नंबर 79 ऑनवर्ड्स मिल जाएगा। इधर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन है और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा पेज नंबर 80 और 81 पर। इसके बाद स्टार्ट होता है फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अलग अलग प्रकार है, अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे कि लाइक अगर आपको आइडिया दे दूं, बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर है, पोस्चर के अलावा गेस्चर्स यानी कि इशारे, इसके अलावा एक्सप्रेशंस में फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। ड्रेस एंड ग्रूमिंग, ड्रेस एंड ग्रूमिंग का मतलब हम किस तरह से तैयार होते हैं, कैसे हम कपड़े पहनते हैं, किस टाइप के हम कपड़े पहनते हैं, ये भी बहुत कुछ कहता है सामने वाले को। स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है जगह या नजदीकी, और ये जगह और नजदीकी के जरिए भी बहुत कुछ कम्युनिकेट किया जा सकता है। साइलेंस, कुछ न कहना। अगर मेरा आपसे झगड़ा हो जाए और मैं आपसे बात नहीं करता हूं, आई रिमेन साइलेंट। आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं बट मैं आपको जवाब नहीं देता हूं, वो साइलेंस भी कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। यानी कि जब आपके कुछ कहने पर भी मैं खामोश हूं, यानी कि मैं आपसे नाराज हूं। सो साइलेंस के जरिए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऑडिटरी सिग्नल्स यानी कि कानों से सुनने वाले सिग्नल्स, साउंड है जिसमें गाड़ी के द्वारा या ट्रेन के द्वारा बजाया गया हॉर्न है, घड़ी का अलार्म है, स्कूल की घंटी है। ऑडिटरी सिग्नल्स, विजुअल्स यानी कि जो दिखाई देता है, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सिंपल है, आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब को कवर कर लेंगे। फिर एक ऑफिस एटिकेट्स जो बच जाएगा, दैट विल बी डूइंग इन द फर्दर लेक्चर। तब तक के लिए आप सबको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ साथ में एक एडवाइस है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय, टेक केयर।